गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिंदी की तैयारी। तो हिंदी में वर्क शुरू करते हैं। बाद में क्या आता है, सबसे पहला क्वेश्चन है। तो क के बाद मैंने डैश छोड़ा है, उसके बाद आपको इन ऑप्शंस में से छांट के बताना है कि क्या आएगा। ख ग घ, तो क के बाद क्या आएगा ये आपको इनमें से सर्कल लगाना है, जो सही आंसर है उस पर। तो ख आएगा क के बाद क्या, कबूतर के बाद क्या आएगा, ख खरगोश, ग गमला या घ घर। तो ख खरगोश, तो आप इस पे सर्कल लगा देंगे। ठीक है, वहाँ पे फील भी कर सकते हैं या सर्कल भी लगा सकते हैं। पहले क्या आता है, अब पहले बताना है क्या आएगा, जो अक्षर मैंने लिखा है उससे पहले क्या आता है। अ ई ई, अ लिखा, आ लिखा मैंने यहाँ, आ से पहले क्या आता है, अ आता है या ई आता है या ई आता है। ई सेमली, ई से ईक है ना ये, तो और ये है आ से अनार। तो आ से आम से पहले क्या आता है, अ से अनार। तो यहाँ पे आप सर्कल अ से अनार पे लगा देंगे। बीच में क्या आता है अब आपको बताना है। च, फिर यहाँ डैश है, फिर ज है। तो च चम्मच के बाद क्या आता है, घ घर आता है, झ झंडा आता है या छ छाता। च चम्मच के बाद क्या आएगा, छ छाता। तो इस पे हम सर्कल लगा देंगे। ठीक है, आगे करते हैं। आगे है आपके पास, मैंने पिक्चर बनाई है, पिक्चर में से आपको पिक्चर देखनी है और यहाँ से इनको पहचानना है कि ये कौन से अक्षर से, कौन से अक्षर, इसका नाम कौन से अक्षर से शुरू होता है इनका नाम। ठीक है, जो पिक्चर बनी हुई है, तो ये बनी है ई से इमली, तो इसमें ई से इमली ढूंढिएगा आप। अ से अनार, आ से आम, इसी लाइन में ढूंढना। ये नहीं है कि यहाँ पिक्चर बनी है तो आप इस लाइन में ढूंढना शुरू करो, यहाँ पिक्चर है तो इसी के लाइन में देखेंगे। ई से इमली बनी है ये और ये है अ से अनार, आ से आम, ई से इमली। तो आप इस पे सर्कल लगा देंगे। ठीक है, पिक्चर को पहचानना है। उसके बाद मैंने बनाया ओ से ओखली, तो ओ से ओखली ये है, ओ ये ओ से और, तो ये अंग से अंगूर है, तो ये ओ से ओखली। आगे मैंने पिक्चर छाता की बनाई है, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज। तो छ से छाता ये है, तो इस पे सर्कल लगा दें। इसका उल्टा भी आ सकता है आपके पास, ये इनमें से कोई शब्द आ सकता है और पिक्चर अलग अलग आ सकती है, तो उन पिक्चर में से आपको पहचानना। ठीक है, पिक्चर पे आपको फिंगर लगा देंगे तो सही हो जाएगा। एग्ज़ाम के अंदर बता रही हूँ मैं, जब मोबाइल से एग्ज़ाम देंगे तब। आगे स्वर का पहला, स्वर कौन से होते हैं, अ से अनार, आ से आम वाले स्वर जो होते हैं उसका पहला अक्षर बताना कौन सा होता है। तो कहाँ से शुरू होते हैं स्वर, अ से अनार से शुरू होता है ना, तो वही उसका पहला वर्ण हुआ। तो हम अ से अनार पे इसको सर्कल लगा देंगे, आगे वालों को छोड़ देंगे। ओ से ओखली, अंग से अंगूर, ये नहीं होते, अ से अनार होता है, अ से अनार से स्टार्ट होता है ना, तो पहला वर्ण वही हुआ। उसके बाद व्यंजन, व्यंजन होते हैं कबूतर वाले जानते हैं ना, वही उसका पहला वर्ण बताना है आपको। तो व्यंजन का पहला वर्ण क्या होता है, ख होता है, ख से शुरू होती है, नहीं क कबूतर से शुरू होता है, क कबूतर, ख खरगोश है ना, पढ़ाते हैं आपको, तो क कबूतर से स्टार्ट करते हैं पहले, तो ये क कबूतर पे सर्कल आ जाएगा। तो इसी तरह से वर्क आएगा आपके पास एग्ज़ाम में, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे मिलते जुलते। पिक्चर चेंज भी हो सकती है और कुछ पिक्चर इसमें से भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है कि आपके पास जो पिक्चर आपको वर्क करवाया है उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। पहले करवाया ना पिक्चर वर्क, अभी की बात नहीं कर रही मैं, जो पहले भी वर्क करवाया पिक्चर वाला उसी की बता रही हूँ कि उसमें भी जो पिक्चर बनी है आप उसके अकॉर्डिंग भी अपनी तैयारी करेंगे। मैंने तो कुछ पिक्चर से बताया, आप सभी पिक्चर की रिवीजन करें ताकि अच्छे से आपको वर्क आ जाए। ठीक है, और ये स्वर वाला और व्यंजन वाला, इसका पहला अक्षर और इसका पहला अक्षर बताना आपको कि कौन सा होता है, पहला या दूसरा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये था आज का वर्क। ओके बाय, सी यू टुमारो।